महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल के अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करने पर विवाद के बाद अब अभिनेत्री की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि कभी लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद काफी विवाद हो गया था। दरअसल मंत्री गुलाबराव पाटिल ने हाल ही में महाराष्ट्र के बोदवाड़ नगर पंचायत चुनाव के दौरान एक चुनावी बैठक को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ गडसे पर निशाना साधते हुए गुलाबराव पाटिल ने कहा था कि जो 30 वर्षों तक विधायक रहे उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए, अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसी नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि गुलाबराव पाटिल के इस बयान के बाद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली ने इसे संज्ञान में ले लिया और माफी नहीं मांगने पर मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी। इसके बाद मंत्री ने माफी मांग ली। रिपोर्ट में देखिए सड़कों से अपने गालों की तुलना पर भड़की हेमा मालिनी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। Anyway, that's just a joking. I mean, वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, because it is the trend has been started by Lalu ji some years back, because that time it was so bad. So suddenly he must have came out with this thing. So that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को use करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। If normal common people talking, you can't. Adjust that, but if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is I don't think it's in a good taste. The women, any women should not be used for saying ki, you know, that. Do you seek apology from a person like him? Huh? Do you seek an apology? No. I don't care for all this. Okay, that's okay. खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।